हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा और उसके भेद बताए थे। मैंने आपको समझाया था कि व्यंजन के तीन प्रकार होते हैं या तीन भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। तो आज हम इनको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन क्या होता है या स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न अंगों का स्पर्श होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं एक बार। और जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से होता है, स्पर्श मतलब होता है छूना, वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से, मुख के विभिन्न अंगों के छूने से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन में। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आते हैं और क से म तक इनकी संख्या होती है 25। और यदि इसमें दो व्यंजनों को जोड़ दिया जाए, वे दो व्यंजन कौन से हैं, वे दो व्यंजन हैं द और ल, द और ल, तो इन व्यंजनों को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। तो इन व्यंजनों को भी यदि हम ऐड कर दें इनमें तो इनकी संख्या हो जाती है 27। ठीक है बच्चों, स्पर्श व्यंजन में आते हैं क से म तक के व्यंजन और दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं द और ल। यदि इन व्यंजनों को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं तो इनकी संख्या 27 अर्थात 27 हो जाती है। तो ये है स्पर्श व्यंजन। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और यदि इसमें द्विगुण व्यंजन द और ड को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 27 हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, वर्णों में आएंगे मतलब व्यंजन, ठीक है, जिन वर्णों का या जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या होती है 4। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। एक बार फिर समझ लीजिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, अब तीसरा है उष्म व्यंजन। अब आप बोलोगे मैम उष्म क्या होता है, उष्म शब्द का अर्थ होता है गर्म से, ठीक है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा यानी कि गर्म वायु निकलती है, ठीक है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श श स, इनकी संख्या होती है 4। तो ये होते हैं उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है बच्चों गर्म। वे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में मुख से गर्म यानी कि उष्म वायु निकलती है, ठीक है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन में आते हैं श श स ह और इनकी संख्या भी 4 होती है। श षड्गम वाला श, श्र षटकोण वाला स और स सपेरे वाला स और ह, ये संख्या में 4 होते हैं, इन्हें
ऊष्मव्यंजन कहते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंजन के भेद समझ आ गए होंगे, और यदि आपको समझ आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे यूट्यूब चैनल सुनो और जानो को हाथों हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जी।